नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मुदगल। खबरों की शुरुआत करते हैं। श्योपुर जिले में एक बार फिर हुआ 7i न्यूज की खबर का असर। दरअसल बीते दिनों हमने आपको बताया था कि विजयपुर पुलिस ने रेत माफिया पर मेहरबानी करते हुए ट्रक को पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए SP ने TI शेर सिंह बडोनिया को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला शनिवार 21 दिसंबर की सुबह का है, जहां विजयपुर थाना पुलिस ने रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, जिन्हें रास्ते में पुलिस ने बिना कार्रवाई किए ही छोड़ दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जब वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो SP ने TI को सस्पेंड कर दिया। विजयपुर से कोक सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। भिंड के रावतपुरा धाम में रविशंकर महाराज की अगुवाई में राम कथा का आयोजन किया गया, जिस दौरान मुरारी बापू ने कथा को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान जी का शील ही चरित्र है। रावण ने जब युद्ध में समस्त राक्षसों से कहा कि सबकी निंदा कर लेना, सबसे लड़ लेना, लेकिन हनुमान जी की निंदा मत करना, क्योंकि हनुमान जी ही शिव का रूप है और मेरे गुरु शिव ही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, चरित्रवान का दूसरा गुण बलवान होता है। चरित्रवान में बहुत बल होता है। जानकारी के अनुसार मुरारी बापू ने कथा के बाद एक गरीब किसान के यहाँ भोजन किया, जिससे मुरारी बापू की यह सादगी किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। वहीं इस मौके पर श्री रावतपुरा सरकार के संचालक पंडित रमाकांत व्यास ने बताया कि 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ रावतपुरा धाम पहुंच रहे हैं। भिंड से राजा भैयापाल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की तहसील अकलेरा में एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल मामला डूंगर गांव का है, जहां सड़क के पास एक इंडिका कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हालांकि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। राजगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट। वन परिषद उछेरा अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम में सैकड़ों आदिवासी नौनिहालों को भ्रमण कराया गया, जिसमें पिपरिया, गणोत, रामपुर, झखोर के स्कूलों से बच्चे शामिल हुए, जहां अनुभूति कार्यक्रम के तहत उन्हें अल्हा अखाड़ा पन्नीखोल मंदिर का भ्रमण कराया। साथ ही साथ वहां पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में भी बताया गया। इधर दिखाई गई चीजों का परीक्षण करने के लिए प्रतियोगिता कराई गई। आपको बता दें, ये प्रतियोगिता वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में एवं मार्गदर्शन में कराई गई, जिसके बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान में आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही उन्हें वन्य जीव एवं वनों को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। सतना नगर निगम के अंतर्गत वार्ड 45 टुकुरिया टोला में जलावर्धन योजना की पाइपलाइन पिछले 2 दिनों से फूटी हुई है, जिसके चलते हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा है। वहीं वार्डवासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी इसे दुरुस्त नहीं कराया गया है। ये तो केवल एक वार्ड का ही उदाहरण है। ऐसे कई वार्ड हैं जहां पर पानी का व्यर्थ व्यवहार हो रहा है, जहां लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं हजारों लीटर पानी सतना में नालियों में बह रहा है। फिर भी प्रशासन है कि उसे कोई सूध ही नहीं पड़ी हुई है। ऐसे में कैसे होगा जल संरक्षण, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। सतना की महिला थाना प्रभारी राजश्री पुरोहित द्वारा इंदिरा कन्या महाविद्यालय में पुलिस पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जहां पर कन्या महाविद्यालय के सामने हाथ ठेला पर भीड़ लगाकर जमा होने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी आवारागर्दी करते नहीं देखा जाएगा। इसी बात को लेकर महिला थाना पुलिस काफी सख्त दिखाई दे रही है और सभी को सुनिश्चित स्थान पर ही हाथ ठेला लगाने की हिदायत भी दे रही है। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। सिंगरौली नगर पालिका को स्वच्छता में इस वर्ष 21वां स्थान मिला है, जिसको लेकर सफाई कर्मियों को नगर निगम द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं महापौर ने नगर निगम कमिश्नर शिवेंद्र सिंह के 3 वर्ष काल पूरे होने पर उनको बधाई दी है। आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब से वे यहाँ पदस्थ हुए हैं तब से नगर निगम में कार्यकलाप हो गया है। पहले कॉर्पोरेट जैसे ऑफिस बन गई है। दरअसल पहले ऑफिस में कोई पब्लिक अपने कार्य के लिए आती थी तो ऑफिस को ठीक नहीं बताती थी, लेकिन जब से यहाँ पे नगर कमिश्नर का तबादला हुआ है तब से ऑफिस का लुक देखने लायक है। सिंगरौली से शिवेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। सिंगरौली की तहसील चितरंगी में एक भाई ने अपने ही सगे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया।
दरअसल मामला गांव गोगरा का है, जहां मनोज वैस पर उसके ही बड़े भाई प्रमोद वैस ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पारिवारिक और जमीनी विवाद के चलते ये हमला किया गया। सिंगरौली से शिवेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। मुरैना क्षेत्र के रहने वाले और गुजरात के गांधीनगर से तेंदुखेड़ा में साइकिल से अखिल भारतीय यात्रा पर साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें साइकिल पर निकले एक युवक ब्रजेश शर्मा ने प्लास्टिक मुक्त भारत, प्रदूषण मुक्त नदियां रखने का संदेश दिया। वहीं आपको बता दें कि नर्मदा के तट पर ब्रजेश शर्मा के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि समस्त उपस्थित लोगों ने पॉलिथीन को हाथ में लेकर नर्मदा को साफ सुथरा रखने और प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर निरंतर प्रयास करने की बात कही है। तेंदुखेड़ा से विपिन पटेल की रिपोर्ट। भोपाल के बेरसिया में देश और घर को स्वच्छ रखने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर अंबेडकर पार्क में नगर पालिका परिषद सीएमओ निरूपा शाह ने स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के सर्वेक्षण 2020 के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहीं बेरसिया के समस्त स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग चित्र के माध्यम से साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाने का काम किया। आपको बता दें, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूल के छात्र छात्राओं को नगर पालिका परिषद द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इधर इस अवसर पर SDM आशीष सांगवान, CMO निरूपा शाह समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भिंड में दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब वे खुलेआम बीच सड़क पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल मामला देहात थाना क्षेत्र के जवासा गांव का है, जहां बदमाशों ने दो व्यक्तियों को घेर कर उन पर फायर किया, जिससे दोनों ही व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने सारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाजिराबाद के दशहरा मैदान में 10वां कुश्ती महामुकाबले का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। वहीं कुश्ती महामुकाबला में बेरसिया, सिरूंज, ब्यौरा, आष्टा, कोठरी और नरसिंहगढ़ सहित क्षेत्र के पहलवानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस दंगल में प्रथम विजेता दिनेश पहलवान और मुरली पहलवान रहे। साथ ही महिला कुश्ती मुकाबले में प्रथम विजेता पूनम कुशवा और रंजीता प्रजापति विजय रही। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए 7i न्यूज़।